पौड़ी में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया। ग्राम्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर मुख्य अधिकारी ने प्रशिक्षण के बाद पलायन पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई है। आज जिला पंचायत सभागार में सभी सदस्यों और रेखीय अधिकारियों का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया और उसमें विशेष विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर ध्यान दिया गया। इस 4 दिवसीय शिविर में स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव और स्वच्छता अभियान, महिला हितेशी गांव, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई और इसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा अधिकारी मौजूद रहे। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गांवों का सहभागिता ना हो। और गांव जो है, पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में, वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ है।